अपन बात कर रहे थे, नेटवर्क टूट गया। महेश शिक्षा विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। वंदे मातरम। समावेशी शिक्षा बीएड सेकंड ईयर का अपना चल रहा थर्ड पेपर और थर्ड और अध्याय अपना है वो भी आपका थर्ड हो गया है, विशेष आवश्यकता और शिक्षा। और अब अपन उस टॉपिक में पार्ट करेंगे, पार्ट वाइज। विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे योगदान है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे किस प्रकार कौन होते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे मतलब वो शारीरिक मानसिक योग्यता विचारधारा मानसिक शारीरिक और मनोविज्ञान तरीके से भी अगर हम मान करते हैं तो वो सामान्य बच्चों से अलग होता है। उनका जो सोच रहती है वो सामान्य बच्चों, कई बार विशेष बालक बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, उनकी सोच चाहे वो शारीरिक है तो मानसिक रूप से प्रतिभाशाली। कुछ बच्चे शारीरिक और बिल्कुल लगता है सही है लेकिन मानसिक रूप से वो मन बुद्धि वाले होते हैं। और प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं बिल्कुल अलग, कम उसकी बुद्धि जो 140 वाली रहती है। तो इस प्रकार जो बच्चे हैं जो अलग सामान्य बच्चों से अलग बैठते हैं, अलग बातचीत करते हैं, उनको कई बार वो अपने आप को पीड़ित समझते हैं, क्योंकि सारे बच्चों को अभी विकलांग बच्चों से अंधे होते हैं बेरे। उनके साथ साथ ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलने में यानी उच्चारण करने में कई बार ऐसा होता है उच्चारण करते करते कुछ जो है भूल जाते हैं, हलकलाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए भी या तो साथ साथ जिस प्रकार शिक्षा दे रहे हैं तो उसके साथ साथ जरूरी है उन बच्चों की जो है साथ में डॉक्टर या चिकित्सा व्यवस्था भी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है इस बच्चों की उस चिकित्सा के द्वारा भी उसका सही किया जा सकता है। तो ऐसे जो बच्चे हैं उन बच्चों को शिक्षा की जो आवश्यकता है शिक्षा उनको समय पर मिलनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा शिक्षा नीति के अनुसार बात अपन किया था हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, अनिवार्य रूप से शिक्षा देनी चाहिए। तो कभी कभी इस प्रकार के बच्चे होते हैं जो उनका विकास गति से नहीं होता, धीरे धीरे उनका विकास होता है। कई बार क्या होता है कि शारीरिक रूप से वो विकलांग जन्म से नहीं होता लेकिन धीरे धीरे ऐसा महसूस होता है कि वो विकलांग की श्रेणी में आता है। तो मंद बुद्धि वाले जो बच्चे हैं उनको समझ में बहुत देरी से आता है, तो उनकी भावनाओं को भी समझना जरूरी। साथ साथ ऐसे शारीरिक विकलांग है जैसे मान लो अंधे बच्चे हैं या कम दृष्टि देख रहे हैं लेकिन उसको सही रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, और कई ऐसे बच्चे हैं जो उनको सब कुछ दिखता है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा, सुनने में प्रॉब्लम, तो ऐसे उपकरणों का भी साथ में प्रयोग करना पड़ेगा जिससे उनकी शिक्षा का प्रभावित नहीं हो। तो इस प्रकार के बच्चों को दूसरे से जो भिन्न बच्चे हैं उन बच्चों को जो शारीरिक मानसिक रूप से उन बच्चों को जो है आवश्यकता की श्रेणी में विशेषता की श्रेणी में रख सकते हैं। क्रो और क्रो की जो बात कर रहे हैं उन्होंने क्या परिभाषा दी है कि विशेष प्रकार या विशेष शब्द किसी ऐसे गुण या उन गुणों को धारण करने वाले जो व्यक्ति के लिए समय प्रयोग में लाया जाता है, जबकि व्यक्ति उस गुण विशेष को धारण करते हुए अन्य सामान्य व्यक्तियों से विशेष ध्यान की मांग करें और उसे प्राप्त करें और साथ ही उसमें उसके व्यवहार की क्रियाएं और अनुक्रियाएं भी प्रभावित हो। तो ऐसे बच्चों को विशेष ध्यान की जरूरत है, विशिष्ट वातावरण की जरूरत है, विशिष्ट पाठ्यक्रम की जरूरत है, जिसे कि सामान्य बच्चों का पढ़ा रहे हैं, सामान्य बच्चों की आप शिक्षा दे रहे हैं उन बच्चों से अलग उस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है कि विशिष्ट चीजों की उनको सामग्री के द्वारा उनको पढ़ाया जाना चाहिए। साथ साथ में बारकर कहते हैं विशिष्ट अवस्था वाले बच्चे वे होते हैं जिनकी शारीरिक मानसिक और नैतिकता सामाजिक दृष्टि से और सामान्य गुणों से अलग, इस प्रकार के बच्चे जो होते हैं वो विशिष्ट श्रेणी में रखा जाता है। साथ साथ क्रिक कहते हैं, क्रिक इस प्रकार की परिभाषा देते हैं कि सामान्य बच्चे आवश्यकता वाले बच्चे वैसे बच्चे जो सामान्य बच्चों से या औसत मानसिक और शारीरिक जो सामाजिक आवश्यकताओं से बिल्कुल अलग रहते हैं, ऐसे बच्चों को हम आवश्यकता की श्रेणी में रखते हैं। उनका जो विकास जो होता है वो धीरे धीरे होता है और समझ भी कोई चीजें धीरे धीरे आती है। तो ये सारे जो बच्चे हैं जो मानसिक रूप से शारीरिक रूप से इन बच्चों को समावेशी शिक्षा के साथ या साधारण बच्चों के साथ लाने के लिए या मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आप किस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा की नीति के तहत या समावेश शिक्षा के संदर्भ में उनको कैसे शिक्षा दी जाएंगी। सबसे पहले आपने पढ़ाया कि सबसे जरूरी है कि उसका पाठ्यक्रम उसी के निर्धारित किया जाए, उसी के आवश्यकता के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। और अभी भी ऐसे बारदेशी ऐसे बच्चे हैं जिनको शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है, चाहे वो सामान्य रूप से भी उनको भी नहीं हो रही है, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो वो देखना होगा कि उनके जो अभिभावक हैं उनके साथ जो विचारधारा है वो उस बच्चों को पढ़ाना क्यों नहीं चाहते हैं। तो क्योंकि हर व्यक्ति का ये अधिकार है अनिवार्य रूप से उनको 6 से 14 साल बच्चों को शिक्षा देना जरूरी, लेकिन क्या होता है कि बच्चों को अपने काम के साथ भेज देते हैं और बच्चों की शिक्षा उनका भविष्य पूरा अंधकार में आता है।
उसी के साथ साथ वो भी पिछले तरह से एक उनकी विशिष्टता में ली जा सकती है। दूसरा, ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं तो उन सामान्य बच्चों के साथ रहते हैं लेकिन उनकी जो प्रतिभा है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो और विशिष्ट बालक है, वो बालक अपने आप को अलग से महसूस करते हैं तो उनके लिए अलग प्रावधान किया हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए सुविधा दी जाए जिससे कि वो बच्चे आसानी से समझ सके। तो ये सारे विशिष्ट बालकों के। अब अपन बात कर रहे हैं कि विशिष्ट बालकों के प्रकार, किस प्रकार के जो प्रकार है, किस बच्चों को हम इस प्रतिभाशाली बच्चों को लेंगे या मानसिक रूप से बच्चों को लेंगे या शारीरिक रूप से बच्चों को लेंगे, किन बच्चों को विशिष्ट बालक की श्रेणियों में लिया जा सकता है। तो ऐसे आ सकता है बच्चों, अपवादी शब्द भी लिया है लेकिन ये शब्द लेने की आवश्यकता नहीं है, वो भी बच्चे सामान्य बच्चों की तरह ही हैं और अच्छे बच्चे हैं, उनको भी शिक्षा की जरूरत होती है। विशिष्ट बालकों के प्रकार, विशिष्ट बालकों के प्रकार, किस इनका क्या मापदंड है, किस प्रकार है, किन बच्चों को विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे शारीरिक रूप से, ये लिखते हैं आप ऊपर से लिखते हैं, शारीरिक रूप से जो बच्चे हैं विकलांग उन बच्चों को इस श्रेणी में लेते हैं। अपन बात कर रहे हैं आवश्यकता बच्चों की अवधारणा, उसके अंतर्गत बच्चों की प्रकार, विशिष्ट बच्चों के प्रकार। तो सबसे पहला अपन बात कर रहे हैं शारीरिक रूप से विकलांग बालक, शारीरिक रूप से जो विकलांग है वो किस प्रकार। अब इसमें अंधे भी हो सकते हैं, बेरे भी हो सकते हैं, अपंग भी हो सकते हैं, श्रवण बालक भी हो सकते हैं, दृष्टि से भी हो सकते हैं और साथ साथ में वाणी जो उच्चारण है, तो ये सारे जो है शारीरिक, अंधे, बेरे, जो पांव से भी हैं शारीरिक रूप से, आंख से हैं या कान से हैं यानी सुन नहीं सकते हैं और बोलते वक्त उच्चारण जो है उनका उच्चारण सही नहीं, बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हैं, अकला रहे हैं, तो इस प्रकार जो बच्चे हैं वो किस श्रेणी में लेंगे, शारीरिक रूप से विकलांग बालक। उन बालकों को भी अधिकार है या उनका भी अनिवार्य रूप से उनको शिक्षित किया जाना चाहिए। अब उसके लिए सामान्य बच्चों से अलग उनकी उपकरण, उनकी तकनीकी प्रयोग, शिक्षा का पाठ्यक्रम का अच्छा पाठ्यक्रम के अनुसार, उनके अनुसार शिक्षक को तैयार करना, उसके बाद इन बच्चों को शिक्षित किया जाता है। इसके साथ साथ सरकारी सब संस्थाएं हैं, जो शाखाएं हैं वो पढ़ाई जा उनके द्वारा ही शिक्षा दी जा रही है। गैर सरकारी संस्थाएं जो है वो भी अलग अलग क्षेत्र में अपने शिक्षा के क्षेत्र में जो है बच्चों के लिए अलग फ्री में आवासीय योजना चलाकर उनको साधन कर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उनको बजट दिया जाता है, बच्चों को मंथली उसको दिया जाता है कि बच्चे पढ़े, बच्चे ये जो छात्रवृत्ति जिसे कहते हैं प्रसाद मिलता है कि भी हमें इस प्रकार बच्चे मिलेंगे, उसके आर्थिक रूप से फायदा मिलेगा, साथ साथ में उसको शिक्षा भी मिलेगी, तो उस अभिभावक है वो भी इस बच्चों को पढ़ाने के लिए राजी हो जाएंगे और बच्चे शिक्षित हो जाएंगे। तो अभी बौद्धिक रूप से दूसरा आता है अब बौद्धिक रूप से जो विकलांग है या जो विकलांग या प्रतिभाशाली हो सकते हैं, तो बौद्धिक रूप से उनका प्रकार क्या है बच्चे हैं, तो सबसे पहले प्रतिभाशाली जो सबसे अलग इंटेलिजेंट जिसे आप कहते हैं, आपको 99% जो नंबर आते हैं, मैथ्स में 100 आ रहे हैं, हिंदी में भी आते हैं, तो इस प्रकार के बच्चों का भी ध्यान रखना जरूरी है कि किस ऐसा ना हो सामान्य बच्चों के साथ इनका भी वही गत हो जाए, तो इस प्रकार भी ध्यान रखना है। सृजनशील बालक होते हैं कि इस प्रकार जो बालक होते हैं वो अलग अलग मन बुद्धि वाले बालक होते हैं, साथ साथ में प्रतिभाशाली, मन सृजनशील, मन बुद्धि वाले। अब इन बीच में कई बार क्या होता है जो है विचारधारा नहीं मिलती है, तो मन बुद्धि वाले भी है, प्रतिभाशाली भी है, सृजनशीलता वाले भी बच्चे हैं और अधिगम असमर्थी बालक भी है, अधिगम है सीखना, तो कई बार उसको कितना भी समझाओ वो सीख नहीं पाते हैं, कई बच्चे तो उसको सीख जाते हैं, तो सीखने की क्रिया भी उनमें कई बार कम होती है। सब रूप से ठीक है बौद्धिक रूप से, लेकिन अभी सीखा फिर भूल गया, अभी सीखे भूल गया, इस प्रकार के जो बालक हैं भी श्रेणी में आते हैं, तो बौद्धिक रूप से वो कमजोर है, बुद्धि है वो उसकी सही है। अब आते हैं सामाजिक रूप से, तीसरा जो बात कर रहे हैं वो सामाजिक रूप से, सामाजिक रूप से बालक,
सामाजिक रूप से जो ऐसे बालक है, ऐसे जो सामाजिक रूप से, कई बार क्या होता है कि जब बच्चे शारीरिक मानसिक रूप से जो होते हैं तो समाज की जो वातावरण है उससे वो कहीं 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 प्रभावित या पीड़ित पाए जाते हैं। इस प्रकार के दो, एक समस्यात्मक जो बच्चा है धीरे धीरे वो मानसिक रूप से चलता है, एक समस्या ग्रस्त होने लगता है या उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ सही नहीं है, सामाजिक तौर पर उसके साथ व्यवहार सही नहीं हो रहा। तो ऐसे प्रकार के बालक भी होते हैं जो सामाजिक रूप से वो न शिक्षित हो पाते हैं न समझ पाते हैं, और अब जैसे अपराध करते बाल अपराधी बच्चे हैं, तो ये सारे सामाजिक रूप से बच्चे हैं जो विकलांग की श्रेणी में आते हैं। विकलांग नहीं कह सकते लेकिन उसको सामाजिक रूप से वो मान लो एक बाल अपराधी है तो उसको उस किरणा से उसको देखा जाता है। अब शिक्षित बच्चा हो जाएगा, कुछ पढ़ लेगा तो जो अपराध किया वो भूलेंगे, समय के साथ वो जो है कलंक मिट जाएगा, अच्छा पढ़ लेगा, अच्छा पढ़ लेके ऐसी जगह जो अपना भविष्य बना लेगा तो धीरे धीरे ये समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। तो ये भी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है सामाजिक तौर पर देखा जाए तो इस प्रकार ये। अगला अगर बात करें बहुविकार ऐसे पीड़ित बालक होते हैं, ऐसे कई बालक होते हैं। अब आता है अध्यापक पर बात, कि अध्यापक जो शारीरिक मानसिक बौद्धिक और सामाजिक तौर पर जो विकलांग बच्चे हैं सामाजिक समस्या, उन बच्चों को श्रेणी बांटे, अलग अलग पहचान करें। अध्यापक का ही दायित्व है इन बच्चों को उन श्रेणियों में विभाजित करें जिससे कि वो बच्चा आसानी से उस श्रेणी के आधार पर उसको शिक्षा दी जाए। अन्यथा क्या होगा, अब सभी एक साथ पढ़ाएंगे तो वो ना एक बच्चा पढ़ पाएगा ना मन प्रतिभाशाली बच्चे के साथ अगर मन बुद्धि वाला बैठा देंगे तो ना तो मन बुद्धि वाला कुछ सीख पाएगा, और प्रतिभाशाली बच्चा जो अपनी प्रतिभा है, प्रतिभाशाली हमेशा एक सृजनशील व्यक्ति होता है, वो सोच उसकी बड़ी होती है, एक बुद्धिजीवी की तरह सोचता है, उसका व्यवहार है वो उच्च होता है, और अपने आप समझने में हर चीज को समझने में भी वो प्रति रखता है, जल्दी उसको समझ में आ जाता है, याद रहती है उसकी जो उसका शिक्षा के प्रति रुचि होती है वो प्रबल होती है, अधिक से अधिक उसको चीजें जल्दी समझ आती है और याद भी समय पर रहती है, इसलिए फिर वो एग्जाम में अपने आप में अलग जो है प्रतिभा दिखाता है। अब बच्चे इसके साथ साथ अब देखेंगे शारीरिक दृष्टि से जो विशिष्ट बालक है उनके बात चर्चा करेंगे वापिस, कि शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक शारीरिक विशिष्ट बालक, तो आप जैसे मान लो उसके पांव में विकलांग हैं, अस्थि बाधित बालक हैं, यानी शरीर में अस्थियां से जोड़ में अथवा शरीर में किसी प्रकार मांसपेशियों में जकड़न है या इस प्रकार से शारीरिक रूप से आप कह सकते हैं विकलांग है या पढ़ नहीं सकता बैठ नहीं सकता या चलने में उसको प्रॉब्लम है या पीछे हड्डी रीढ़ हड्डी प्रॉब्लम है या झुकी हुई है या पांव में गंभीर रूप से वो घायल है, ऐसी परिस्थितियां जो होती हैं बाधित करती हैं कुछ परिस्थितियों को बाधित, इन परिस्थितियों से अलग उसको निकाल कर एक बच्चे को शिक्षित करना। तो बच्चा अध्यापक इसकी श्रेणी बांट लेगा कि ये बच्चे शारीरिक रूप से जो विकलांग इन सबको एक श्रेणी में एक अलग से शिक्षित किया जाना चाहिए। ये आस्थि रूप से बाधित मैंने शारीरिक से टूटा हुआ है या पांव से है या हाथ से है या इस प्रकार से है या गर्दन इस प्रकार, तो ऐसे जो अस्थियों से मांसपेशियों से जो विकलांग जो है वो अस्थि बाधित बालकों में आते हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार उसको डालना। शरणवादी बालक जो होते हैं यानी बहरे बहरे बालक, इसके साथ साथ आप बहरे बालक हैं, आप कितना समझाओ सुनने नहीं रहा, तो उन उपकरणों के साथ ऐसे अलग से बांटे, अब इन अंधों को बहरों को साथ में रख दिया तो कैसे सीख पाएगा, तो अंधों के लिए अलग व्यवस्था की जाए बहरों के लिए अलग व्यवस्था की जाए जिससे कि बालक उसको आसानी से समझ पाएगा। इस प्रकार का अगर श्रेणी लेंगे तो धीरे धीरे बच्चा है उसको शिक्षित कर सकते हैं। तो ये श्रेणियां हैं, हेलो। तो बहरे बच्चे होते हैं इस प्रकार के साथ साथ दृष्टि से यानी अंधे बच्चे, शारीरिक से दृष्टि से यानी विकलांग,
और बहरे बच्चे साथ साथ जो है दृष्टि से, इन बच्चों के लिए आप देखा होगा अलग अलग शहरों में अलग अलग संस्थाओं के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। दृष्टिहीन जो बच्चे हैं उन बच्चों को जो कम थोड़ा बहुत अगर दृष्टि से देख सकते हैं तो उनको तो सामान्य बच्चों के साथ या समावेश शिक्षा के साथ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं देख सकते तो ऐसे बच्चे हैं। आप देखा होगा कई बच्चे ऐसे इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो अभी हालामी वार्ड में भी एक टॉप किया है टेंथ में। तो इस प्रकार के बच्चे भी हैं, उनके बच्चों के लिए शिक्षा के जो क्षेत्र में अच्छा वो अपना प्रतिभा दिखा रहे हैं, शिक्षक उनको उस प्रकार से जो शिक्षित कर रहे हैं अपने अनुभव से अपने प्रशिक्षण से और साथ साथ में उपकरणों का सही प्रयोग करके बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। साथ साथ बात करते हैं वाणिज्य रूप से, वाणी से मतलब है टकलाना, वाणी से बालक जो है विकलांग बालक, तो उन बच्चों के लिए भी धीरे धीरे कई बार सही भी हो जाती है इलाज करने के बाद, लेकिन नहीं होती तो उनके लिए भी ऐसे उपकरणों का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। उनके भावों को सबसे पहले है कि ऐसे वाणी वाले बच्चों को उनके भावों को समझना जरूरी है, उसके आधार पर धीरे धीरे, क्योंकि कई बार असमर्थ रहते हैं बोलने में तो वो क्या चाहता है उन चीजों को भी अपन को समझना हो, उसके आधार पर उसको शिक्षित करना होगा। साथ साथ में अब कहते हैं बौद्धिक रूप से दृष्टि से, अब बौद्धिक रूप से जो प्रतिभाशाली बालक है आपने लिखा बात, तो वो उनके लिए क्या भिन्न प्रकार के होते हैं। तो कई बार क्या होता है प्रतिभाशाली बच्चों को छोटी क्लास में उसको आगे जो है भेज दिया जाता है, दो क्लास दका के फिर उसको और पढ़ाया जाता है, धीरे धीरे वो बोर्ड में और आगे आगे उच्च शिक्षा में भी अपने प्रतिभा दिखाता है, ताकि इस प्रकार बच्चों को अगर ज्यादा जो है सुविधा मिलेगी और उस प्रकार प्रसार पुरस्कार दिया जाएगा तो बच्चा और उसको प्रतिभाशाली बच्चा है और पढ़ने में रुचि रखेगा, अन्यथा क्या व्यवहार होता है कि बच्चा दब जाता है। इस प्रकार बच्चों का भी ध्यान रखना जरूरी। तो प्रतिभाशाली बच्चे हैं जिन्हें IQ जो लेवल होता है, जैसे आपने बताया IQ लेवल प्रतिभाशाली बच्चों का वो सब बताया 140 लगभग, इस प्रकार के बच्चे भी होते हैं IQ लेवल इतना ज्यादा होता है, तो उन बच्चों को प्रतिभाशाली सृजनशील होते हैं व्यवहार में और सीखने में पढ़ने में और कार्य करने में, तो कक्षाओं में पढ़ोतरी माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा में उनको अच्छा सुविधा मिल जाती है। सृजनशील जो बालक होते हैं जो उस लिंग या उस क्षेत्र से हटकर सृजनशील विचारधारा वाले होते हैं, तो ऐसे सृजनशील बालकों को भी किसी न किसी भी कार्य को नया रूप देने के लिए कुछ नया करने का एक उत्साह बच्चे में रहता है, तो पूरा करने योग्यता रखता है और उसकी बुद्धि भरपूर प्रयोग करता है अपने शर्मिक रूप से ग्रहण में। इस प्रकार के बालक जो होते हैं अपने आप में एक अलग से होता है। अब आता है मन बुद्धि वाले जो बच्चे हैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन उन बालकों को भी क्योंकि मन बुद्धि वाले बालक होते हैं IQ उनका कम होता है, तो सीखने में उनको समस्या रहती है समझने में, तो उन बालकों के लिए भी धीरे धीरे शिक्षित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं पढ़ सकते, जैसे उसकी बुद्धि IQ जो है जितनी है उसके आधार पर उसको शिक्षित किया जा सकता है। तो ये बालक है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, उसके साथ साथ तो अधिगम सीखने के असमर्थ बच्चे होते हैं, उन बच्चों के लिए भी शिक्षित करने की व्यवस्था की जाती है ताकि वो भी सीख पाए। तो ये सबसे दो पॉइंट अपने थे शारीरिक बौद्धिक। अब आता है सामाजिक तौर पर, सामाजिक तौर पर आप देखा होगा प्राय बच्चे हर समय समाज में वो पीड़ित रहते हैं और उन बच्चों के साथ समाज के दूसरे बच्चे उनके उनके अभिभावक तो दूसरे बच्चों के अभिभावक, तो इस प्रकार की समस्या सामाजिक तौर पर कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो उससे क्या था बच्चा जो है किसी तरह से ना तो शिक्षित हो पाता है ना वो किसी कार्य में काम लगता है, चाहे वो शारीरिक रूप से नहीं है लेकिन बच्चा इंटेलिजेंट है, लेकिन कई बार क्या होता है ऐसी परिस्थितियां हो जाती है परिवार की जिससे कि है चाहे वो परिवार की जो है विचारधारा से भी, क्योंकि बच्चा जो होता है वो सारी चीजें परिवार को देखकर ही सीखता है, जैसा जैसा वो परिवार में या वातावरण में देखता है तो उसका प्रभाव है वो बच्चे पे पड़ता है। तो इस बच्चे दूसरे बच्चे जैसे बाल अपराधी होती है तो उनका भी वातावरण प्रभाव पड़ता है, कई बार आर्थिक समस्या के कारण या ऐसे बच्चों के साथ संगत में जाकर भी वो अपराध करने लगता है, धीरे धीरे वो बाल अपराधी और धीरे धीरे अगर समय रहते हुए उस समस्या को समाधान नहीं किया तो बच्चा जो है बाल अपराधी से बड़ा अपराधी भी बन जाता है। तो इससे शिक्षा के माध्यम से उस बाल अपराधी को भी रोका जा सकता है, उसको शिक्षित किया जा सकता है और सही मार्ग से लाया जा सकता है, लेकिन उन बच्चों शिक्षक और अभिभावक की ये जिम्मेदारी रहती है दायित्व रहता है कि इस प्रकार जो सामाजिक तौर पर बच्चे
विकलांग, सामाजिक तौर की जो समस्या है, सामाजिक रूप से जो बालक पीड़ित हैं या समस्याग्रस्त हैं, उन बच्चों को भी सुधारा जा सकता है। समय रहते अगर शिक्षा के माध्यम से उनको सुधारा जाए तो बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। तो ये विशिष्ट बालकों के कुछ प्रकार हैं, शारीरिक रूप से विकलांग बालक, बौद्धिक रूप से और दृष्टि से बालक, विशिष्ट बालक, उसके साथ सामाजिक दृष्टि से भी विशिष्ट बालक, जो कि समाज स्तर बाल अपराधी भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं विशिष्ट आवश्यकताएं क्यों पड़ती हैं, तो विशिष्ट आवश्यकता की बात करते हैं अगले टॉपिक में, क्योंकि इस प्रकार के, अब सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपको, मान लो आप किस क्षेत्र में इस प्रकार के बालक अभी भी रहते हैं, तो उसका आपका भी दायित्व, आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, अब शिक्षक की श्रेणी में है, ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में रहते हैं, जब ट्रेनिंग का मतलब होता है आपको वो सारी चीजें आती है, उन सारी चीजों का प्रयोग कैसे किया जाता है। मान लो तकनीक या कंप्यूटर दिया जाता है, कंप्यूटर को आपको समझ, लेकिन इस कंप्यूटर की या इस तकनीक को आप कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे आप बस मोबाइल आ गया तो पहले आप जिसको समझते हैं, धीरे धीरे उस चीज को ट्रेनिंग या धीरे धीरे जैसे प्रयोग किया अभ्यास है, तो अभ्यास अपन जैसे जैसे बालकों के साथ उसकी चीज को बैठेंगे, उस समझेंगे, विचारधारा के बाल अपराधी को कैसे लिया जाए, तो उन चीजों को अंदर आपके जो विचारधारा, उस विचारधारा के द्वारा आपके जो अनुभव है, आपके जो परीक्षण लिया, उन परीक्षणों के माध्यम से इस प्रकार के जो शारीरिक रूप से है, मानसिक रूप से है या बौद्धिक रूप से जो है, इन बालकों को भी शिक्षित किया जा सकता है। या समाज, मान लो आपके समाज गाँव में कहीं जाते हैं तो आपका वहां भी इस तरह से विचारधारा आती है कि इस बच्चे पढ़ नहीं रहे, इन बच्चों को मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, तो उसका कारण कई बार क्या होता है, सामाजिक तौर पर आप देखते होंगे कि बच्चे को स्कूल नहीं भेजते, कभी खेत भेज देते हैं, कभी दूसरे कार्य में रहते हैं, तो बच्चा जब मानसिक रूप से जो प्रभावित रहता है, वो बच्चा शारीरिक रूप से भी धीरे धीरे वो जो है विकलांग की श्रेणी में खड़ा रह जाता है। जब मन जो है उसका वातावरण ऐसे दूषित वातावरण है, तो उसका शरीर भी उसका साथ नहीं देता है। तो इस प्रकार के बच्चों को हमें अधिक से अधिक शिक्षित करना है और शिक्षा की जो मुख्य धारा उसके साथ जोड़ना है, ताकि ऐसे बच्चे भी हैं उनका भविष्य है, अंधार अंधकार में नहीं रहे, चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक हो। तो ये इसके साथ आवश्यकताएं क्यों है, तो जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि आवश्यकता है कि बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना, अगले पार्ट में अपन पढ़ेंगे कि उसकी क्या आवश्यकताएं हैं।